भाई आप जा रहे हो कोई भी नई गाड़ी खरीदने और आपको चाहिए सेफ्टी वाली गाड़ी, तो भाई आप इस वीडियो में बने रहे, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि भाई आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, आपके लिए टॉप 5 गाड़ी की बात करेंगे कि आपके लिए कौन सी बेस्ट रहेगी सेफ्टी वाइज गाड़ी। चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। पर भाई वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और भाई वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। करते हैं वीडियो की शुरुआत। भाई अगर हम 5वीं गाड़ी की बात करते हैं टॉप 5 की, तो भाई आपकी मारुति सुजुकी की ग्रैंड विटारा आ जाती है। भाई देख रहे हो कितनी बढ़िया गाड़ी है। भाई इसके अंदर ग्लोबल एनकैप से तो इसकी रेटिंग नहीं हुई, पर भाई इस गाड़ी का जो अनुमान लगाया जा रहा है, ये मारुति सुजुकी ने थोड़ी सेफ्टी रेटिंग इसकी बढ़ाकर 4-5 के हिसाब से लगाया जा रहा है कि इसके अंदर 4-5 की सेफ्टी रेटिंग आपको मिल जाएगी। अब करते हैं भाई 4th गाड़ी की बात, तो भाई 4th गाड़ी की तरफ चलते हैं और देखते हैं 4th गाड़ी आपको कौन सी देखने के लिए। भाई अगर 4th गाड़ी की बात करें तो भाई आपको 4th गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है हमारे देश की प्यारी सी टाटा की टियागो, और भाई ये आपको 4-स्टार रेटिंग के साथ आपको मिल जाती है, ग्लोबल एनकैप की रेटिंग है भाई ये। तो अगर आपका क्या ओपिनियन है इस गाड़ी के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना। अब भाई करते हैं हम इसकी 3rd गाड़ी की बात इस वीडियो की, तो भाई 3rd गाड़ी आपकी आ जाती है टाटा की एल्ट्रोस। भाई इसको ग्लोबल एनकैप से 5-स्टार रेटिंग मिली है और भाई ये 5.5 लाख रुपये के बीच में आपको मिल जाती है इसका बेस वेरियंट। और भाई अब करते हैं 2nd नंबर की गाड़ी वाली की बात, तो भाई आपको 2nd नंबर पे इतनी बेहतरीन गाड़ी देखने के लिए मिल जाती है, वो भी हमारे देश की गाड़ी है भाई, मोस्ट पॉपुलर टाटा की नेक्सॉन। भाई ये जो गाड़ी है ना, इसके अंदर भी आपको 5-स्टार रेटिंग मिल जाती है, ग्लोबल एनकैप से रेटिंग हो रखी है, और भाई इस गाड़ी का भी कोई जवाब नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। और भाई और बातें करेंगे, चलो चलते हैं और देखते हैं भाई अब हम अपनी 5 पहली गाड़ी पर। उसे देखने से पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। जो हमारे पहले नंबर की गाड़ी आती है वो है हमारी मारुति सुजुकी की ऑल न्यू जिम्नी। भाई वो अभी इंडिया तक तो लॉन्च नहीं हुई, पर भाई हो जाएगी 2023 के अंदर। पर भाई मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने इस गाड़ी को फर्स्ट नंबर पे क्यों रखा है। भाई आप सोच रहे होंगे टाटा की नेक्सॉन वगैरह को क्यों नहीं रखा मैंने, भाई मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो मारुति की जिम्नी है ना, मैंने सुना है कि ना इसको ना अमेरिका वगैरह में इसको 5-स्टार रेटिंग मिल रखी है ग्लोबल एनकैप से। भाई तो भाई ये थोड़ी बड़ी भी गाड़ी है और बल्कि भी लगती है, और भाई ये थार का मुकाबला करने वाली है। आपके क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। और भाई मैंने इसीलिए इसको पहले नंबर पर धरा है, पर भाई अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।